सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आगे की तैयारी के लिए तमाम प्रयास करें। जहां बीजेपी एक तरफ अपना प्रशिक्षण वर्ग चला रही है, तो यहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रांतीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है। और उस सम्मेलन में संजय सिंह आगरा उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो आए हैं, लेकिन एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं कार्यकर्ता। कुछ लोग आए हैं, सुनहरी लाल जी हमारे साथ है, जिन्होंने अपने शरीर पर पूरा गुदवा रखा है, एक पेंट करवा रखा है जिन्होंने। इनसे पूछते हैं क्यों ये जिन्होंने कभी अपना घर तक नहीं चलाया वो झूठे सरकार चला रहे हैं, क्यों लिखा है आपने? ये क्यों लिखा है? उन्होंने परिवार है क्या? कभी है परिवार? किसका? केंद्र सरकार का कहीं परिवार है? कोई कोई परिवार नहीं है। बेघर जो परिवार है वो भटकते भटकते डोल रहे हैं, और जिनके परिवार नहीं वो देश चला रहे हैं। लिखे पढ़े हमारे भटक रहे हैं, और जो अंगूठा टेका पढ़े लिखे वो देश चला रहे हैं। तो मतलब परिवार ना होना सरकार चलाने से क्या संबंध है? क्यों संबंध नहीं है? परिवार का मतलब क्या होता है बताइए? परिवार जो घर का परिवार मुखिया जो होता है, परिवार चलाना जानता है वो देश चलाना जानता है। जो परिवार चलाना नहीं जानता है वो देश चलाना नहीं जानता। क्या आपका आरोप है कि जिसका परिवार नहीं होता वो देश चलाना नहीं जानता? नहीं जानता, हकीकत सत्य बात है। और आपने महंगाई का भी कुछ लिखा है। महंगाई आसमान छू रही है। 8 साल पहले क्या था? जो सिलेंडर 450 रुपए का, 450 रुपए का है, इनके फूट रही है। गरीब आदमी कैसे कैसे जी गया, क्या खाएगा क्या पिएगा, मरते आगे धंधे पानी नहीं, सब चौपट। अच्छा। सबने धंधे करा, कोई नौकरी नहीं, कोई 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? इसके अलावा क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, कलना चूरन के मंजर के सेल्समैनी करता हूँ। रैली में आप ये सम्मेलन में? हर सम्मेलन में आता हूँ, कुछ सही बड़ा हूँ। हाँ, कब से जा रहे हैं? मैं अन्न आंदोलन के तभी से जा रहा हूँ, मेरा फोटो देख सकते हैं पहले भी। कब से जा रहे हैं? नाम तो है ना। अब क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम तो केजरीवाल को लाना चाहते हैं अपने देश के लिए। क्या चाहते हैं? केजरीवाल को लाना चाहते हैं। केजरीवाल को लाना जी, यूपी में नहीं, पूरे देश में केजरीवाल आएगा। पूरे देश में केजरीवाल? पूरे देश में केजरीवाल आएगा। भाई साहब आप भी बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर यादव, और मुझे छोटे केजरीवाल के नाम से लोग जानते हैं। छोटे केजरीवाल के नाम से जानते हैं? अरे वाह, क्यों जानते हैं? मतलब क्या ऐसा करा है आपने? मैं अन्ना आंदोलन का साथी हूं सबसे पहले, और मैं वार्ड नंबर 29 प्रयाबाद से मुलायम सिंह यादव की समधि के अंगेंस्ट जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और मैं गाँव में भी मतलब गाँव में जैसे क्रांति सम्मेलन कार्यकर्ताओं का रखा गया है, किस तरह का कार्यक्रम है ये? जो नगर पालिका के चुनाव आएंगे, मध्य जैसे नगर पालिका चेयरमैन वगैरह के चुनाव हैं, वो माननीय है बड़ी बहन हमारी हृदय चौधरी जी ने आयोजित किया गया। उसमें मुख्य अतिथि संजय भैया जी आए हैं, और हमारे जिले जितने भी जिले हैं, आगरा इटावा मैनपुरी मथुरा जितने भी इसमें मेरे प्रांत जिले आते हैं, सभी जगह का हर कार्यकर्ता जी ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि महंगाई बहुत है देश में, जिसकी वजह से जिसका कोई परिवार नहीं होता वो सरकार नहीं चलाना जानता, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? अब इस बात को सुनहरी लाल जी कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, ये भी हमारे अन्ना आंदोलन के साथ ही हैं, हमारे प्रभारी रजौरिया जी भी हमारे साथ हैं। प्रदेश में महंगाई है? हाँ जी, महंगाई है, बेरोजगारी भी है, और चरम सीमा से बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा चल रही है, सर के पार हो चुकी है महंगाई। से पर उत्तर प्रदेश में है या दिल्ली में भी है? महंगाई तो हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ जो सुविधाएँ दे रखी हैं उससे आम आदमी बहुत खुश है। मतलब महंगाई उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ आदमी घुस नहीं, दिल्ली में महंगाई है वहाँ खुश है। लेकिन वहाँ क्या है, जो छोटे मतलब बड़े स्तर का आदमी तो इतना नहीं जानता है, लेकिन छोटे स्तर का जो आदमी है वो केजरीवाल जी का फॉलोवर है, केजरीवाल जी को चाहता है, और उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, बिजली। जैसे महंगाई दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, महंगाई तो सब जगह है। हाँ, महंगाई सब जगह होगी, वो तो सबके लिए फॉलो होगा, वो चीज़ अकेले के लिए तो नहीं होगा। और कैसा रहा सम्मेलन? बहुत बढ़िया रहा साहब, सब सम्मेलन हमारा सफल हुआ है। तो हमारे साथ ये सुनहरी लाल जी थे जिन्होंने महंगाई के साथ एक नारा दिया है कि महंगाई कम की सर के पार हो गई है, महंगाई सर के पार, बिल्कुल सर के पार, आगे कुछ नहीं है, अंधकार अंधकार बिल्कुल, लूट देश को लूटना चाहो जी तो लूट लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। देखिए महंगाई तो है ही है, और महंगाई इसलिए और लग रही है क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं है। निकाय चुनाव आने वाले हैं, शहर का मेयर पार्षद नए सिरे से सिरे जाएंगे, आम आदमी पार्टी का उतना बैकग्राउंड नहीं है आगरा शहर में, उत्तर प्रदेश में भी खासा दमखम नहीं है, क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे जो इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? ये आप कैसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड नहीं है? ये आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा, यहाँ आगरे का सबसे बड़ा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा की एक भी सीट आम आदमी नहीं, लोकसभा विधानसभा एक अलग चीज रहा, वो काफ़ी समय निकल गया, लेकिन आज की स्थिति देखा जाए तो आप देख रहे हैं गुजरात में सरकार बनने वाली है, और आगामी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नगर निगम का है,
आज संजय सिंह जी आगरा में उपस्थित हैं। तो कह सकते हैं कि अब निकाय चुनाव का जो संखनाद है वो अब होने वाला है और नवंबर और दिसंबर में आगरा में मेयर के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ इस बार मैदान में उतरने वाली है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।